in yet another incident that contradicts on the duties of police officials towards citizens, a mentally challenged person was beaten up by the cops. After the person had blocked traffic and hurled stones at commuters near Gulab Bagh area of Udaipur, the police official, instead of handing him over to an asylum, thrashed him till he bled. The cops tied his hands and legs and gagged him, following which they stripped him and kicked him several times. When he bled, they gave him water and took him to hospital. Meanwhile, cops are trying to cover up the matter by saying that the person is not retarded. कल कालाजी घोराजी के पास मैं एक व्यक्ति जो हाथ में बड़ा डंडा लिए हुए दो वर्दी में पुलिस कर्मी थे उनसे झगड़ा कर रहा था मारपीट कर रहा था थाने पर इतला प्राप्त होने पर और जाप्ता गया और उसे काबू में करके एक बार थाने पर लेके आया उसकी जो मानसिक दशा थी वो विकसित प्रतीत होने पर उसका इलाज करवाया गया हॉस्पिटल्स में उसका मानसिक उपचार करवा के उसे आशापुरा धाम में भर्ती करवाया गया और उसके परिजनों को सूचित करवाया गया थाने में इस तरह की फुटेज हमारे पास है जिसमें पुलिस कर्मी उसके साथ मारपीट कर रहा है नहीं केवल कंट्रोल किया गया उसे क्योंकि वो वहाँ भी पब्लिक के साथ पूरा जाम लगा दिया था और इस प्रकार का उत्पात मचा रहा था तो केवल कंट्रोल किया गया करेस्पॉन्डेंट हेमेंद्र श्रीमाली फ्रॉम उदयपुर फॉर ANI